हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्याकरण। बच्चों मेरा नाम है अजय और आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल अजय विद्याकरण। थोड़ा स्टाइलिश में बोल रहा हूं, ठीक है। ओके तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्याकरण स्कूल, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये गलती बिल्कुल मत करना। वो कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, देखिए आप सभी का विद्याकरण स्कूल का जो एग्जाम है वो 18 दिसंबर को होने वाला है और आज 16 दिसंबर हो चुकी है फाइनली। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिन बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं होपफुली सभी के आ गए होंगे, अगर किसी के नहीं आए हैं तो आज ऊपर से ऑर्डर थे, यानी कि जो पहुंचाने वाला जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं एडमिट कार्ड को लेकर, कि आज सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड पहुंच जाने चाहिए। अगर किसी बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं तो आप पता कीजिए भैया स्कूल वालों से पता कीजिए क्या हो रहा है हमारे एडमिशन फॉर्म का, तो एडमिट कार्ड का सॉरी, है ना। तो एडमिट कार्ड आपको आज ले लेने, यानी कि आज 16 दिसंबर हो चुके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आज 16 दिसंबर हो चुके, केवल और केवल 2 दिन बचा आपके पेपर को, ठीक है। अब देखो इस वीडियो को बनाने का क्या मेरा मेन मकसद है, आपको बताया कि मैं खुद विद्याकरण स्कूल की परीक्षा पहले ही पास कर चुका हूँ और यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारा नंबर वन चैनल है विद्याकरण स्कूल की तैयारी करवाने वाला, और आप लोग जो हमें प्यार दिखा रहे हो सपोर्ट दिखा रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा इन्जॉय के पर्पज से मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस वो 2 चीज़ें फॉलो करना है ना, कि अजय भैया ने क्या चीज़ें बताई वही 2 चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो देखो विद्याकरण स्कूल का जो आपका पेपर है वो 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है, ठीक है। 18 दिसंबर 2022 आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से हो गई है, अगर किसी की नहीं हुई है तो यार कुछ नहीं कर सकते, हमने जो भी हम कर सकते थे हमने किया, 2-2 घंटे की महामैराथन क्लासेस, हमने A to Z अब सब कुछ बता दिया है, पढ़ना आपको देखना आपको हमें नहीं देखना, ठीक है। तो हमने तैयारी आपकी होपली सभी की मजबूत हो गई होगी यार, एकदम बोल दो हल्ला बोल, अब की बार विद्याकरण स्कूल पार, ठीक है, सभी की हो गई है। 18 दिसंबर को आपका पेपर है, आज 16 दिसंबर हो चुके, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जिस बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो पता कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये बात, आप वीडियो को शुरू करते हैं कि विद्याकरण स्कूल का जो पेपर होगा 18 दिसंबर को उसमें क्या गलती निकालनी है, ठीक है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में। नंबर 1, जब आप विद्याकरण स्कूल का पेपर देने जाओ तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप वहाँ पर आपको बिठाया जाएगा, रूम में आपकी एंट्री होगी, ठीक है। साथ में आपको घर से एडमिट कार्ड, जो चीज़ें लेकर जानी है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या लेकर जाना है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लेना। और OMR शीट कैसे भरें वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो मिल जाएगी, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे उसका भी लिंक है, कम से कम 200-250 बच्चे ज्वाइन है उसमें, जाओ तुम भी ज्वाइन कर लो, है ना, सब जानकारी हमें मिल जाएगी। OMR शीट भरने वाला वीडियो फिर से आप देख लेना, जिन्होंने एक बार देख लिया वो दूसरी बार देख लेना। अब गलती क्या नहीं करनी है, मतलब पेपर में जाओगे अब क्या 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 गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब कुछ, दो चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। नंबर 1, तो जब बच्चे पेपर देने जाते हैं विद्याकरण स्कूल का ज़्यादातर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि एक मतलब आपको बेंच पे बिठाया जाएगा, पर बेंच पे इस तरह से बिठाया जाएगा, एक लंबा चौड़ा बेंच होगा, उसमें एक बेंच पे 2 बच्चों को बिठाया जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से एक बेंच होता है, साइज मैं बताऊँ तो कितने मीटर का, एक बेड के साइज का बेड जो होता है, जैसे ये मेरा बेड है अभी, तो इसके साइज का एक बेंच होता है, उस बेंच पे एक बच्चा तो यहाँ पे बैठेगा और एक बच्चा यहाँ पर साइड में बैठेगा, यानी कि बीचाबाज में उन्हें धीरे धीरे करके नहीं बिठाया जाता, उन्हें डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस होती है उनके बीच की, ठीक है। एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, ओके। तो बच्चे क्या करते हैं, जो इधर वाला बच्चा है मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैंने बहुत टाइम देखा है, जब मैं पेपर देने गया था, वैसे देखना नहीं चाहिए किसी को पर यार निगाह पड़ी जाती कभी ना इधर उधर से देखते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो दूसरे वाला का देखने लग जाता है, जो इधर वाला ना इधर वाला वो दिख जाता है ऐसे करके देखने लग जाते हैं, तो देखो ऐसे करके देखने लग जाते हैं, देख भी लेते हैं, अरे इसने तो OMR शीट में 5 का ये वाला भरा है, 5 का क्या भरा, उसने B भर दिया, तो B को काला कर दिया, अपना कर दिया काला। तो देखो समझो ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए अगर आप किसी से देखोगे, किसी के ऊपर डिपेंड करोगे, पहली बात तो डिपेंड रहना नहीं है, और जो जो तरीका आप देखोगे ना उसने 5 भरा है तो ये बिल्कुल गलत है, आपका पेपर पूरा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है क्या, देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है आप समझिए, इस वाले बच्चे का आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे उनके सेट अलग अलग होते हैं, सेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो बच्चा है इसको सेट A मिलेगा और इसको B मिलेगा, अब A और B में बड़ा समझिए क्या है, इसको सेट A मिलेगा, इसको सेट B मिलेगा, अब इसका क्या मतलब है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर तो सेम वही होगा, पर क्वेश्चन पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो भी 90 के 90 रहेंगे, पर एक चीज होगी कि यहाँ पर जो इसका जो क्वेश्चन अदला बदली हो जाएगा, यानी कि अगर आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका जो भी है वो उसके में 67वां भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन उसका हो सकता है उसमें, ऐसा नहीं कि आपका पहला क्वेश्चन आपका जो है सेम टू सेम उसका भी पहला क्वेश्चन वही हो। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप किसी का देखोगे तो उनका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से सेम नहीं रहता,
ठीक है, उनके अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना पेपर में जाके, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ज्यादातर गलती यही करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सिक्स वाले में क्या भरा जाएगा, तो सिक्स वाला वो लास्ट वाले बेंच वाले भी देखियो उसने भरा है सी, भाई उसने ठीक भरा है, उसने पेपर को पढ़ा, उसने क्वेश्चन को करा, उसने ठीक भरा, उसका मत देखो, जरूरी थोड़ी ना है कि आपका भी सिक्स क्वेश्चन वही सिक्स क्वेश्चन हो जैसे उसका है, ठीक है। समझो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका परीक्षा होगी, देखो मैं फिर से अच्छे से समझा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब जो बच्चे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे। देखो विद्याकांत स्कूल के जब आप पेपर देने जाओगे, अब वहां पर क्या होगा, बेंच होगा, उस बेंच पे एक साइड में बच्चा यहाँ पर बिछाया जाएगा, एक बेड के साइज का बेंच होगा, ठीक है, एक यहाँ पर। अब बच्चे क्या करेंगे, किसी के मन में थॉट आ रहा है कि मुझे ये वाला नहीं आ रहा, मुझे ये भरना नहीं आ रहा, मुझे सिक्स वाला नहीं आ रहा, तो सिक्स वाला उसके में से देख लेते हैं उसने क्या भरा है। तो आप उसके में से देख के भरोगे ना, वो आपको टोटली पूरा का पूरा पेपर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप देखो, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो आपका पेपर होगा, मान लीजिए ये आपका पेपर है, यहाँ पर मैं ड्रा भी कर देता हूँ, ये आपका पेपर है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपकी ओ एम आर है, क्या है ये ओ एम आर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके वो बिंदिया लगा देता हूँ जैसे आपकी होती है ओ एम आर शीट में वैसे, ठीक है, ये आपकी ओ एम आर शीट है, ये आपका क्या है पेपर, ठीक है, तो पेपर है और ये इस वाले बच्चे का पेपर है, पेपर और ये इस वाले बच्चे की ओ एम आर सीट है, ओ एम आर। चित्र वगैरह मुझे ड्रा करना नहीं आता सच में बता रहा हूं, पर मुझे कर लेता हूं जो भी है। अब यहां पर इसके में पहला क्वेश्चन क्या है, चार का तीन बटा चार क्या है, तो यहां ऑप्शन दे रहे होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए में तीन, बी में दो, सी में चार, डी में छः, ठीक है। और यहां पर इसके पेपर में क्या होगा, इसके पेपर में जरूर, कहने का मतलब यह है कि आपका जो पेपर है, आपका आपका क्वेश्चन पेपर और उस बच्चे का, जितने भी बच्चे होंगे सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग होने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन वही रहेंगे पेपर में, पर क्वेश्चन अदला बदली होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये उसके में ये छह माह भी क्वेश्चन हो सकता है, अट्ठासी माह भी हो सकता है, नवासी माह भी हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के करते हो ना कि हमारा पहला हो नहीं रहा है, कि हम उसकी ओयामा शीट में से देख लेते हैं उसने क्या भरा है, तो उसने भरा है सी, तो आप क्या करोगे, सी भर दोगे? अरे बिल्कुल नहीं, बुढ़बक हुआ बुद्धू हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं और उसका जो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन पेपर चेंज होंगे बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि उसका आप देखिए, जरूरी नहीं क्या, बिल्कुल नहीं, आपका जो सिक्स पहला जो क्वेश्चन है उसके में वो कहीं पर भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, पहले नंबर पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान रखो, सबसे बड़ी गलती बच्चे बड़ी गलती यही करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, अपना खुद करना है, ठीक है। ये चीजें मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद विद्याकांत स्कूल की परीक्षा पास की है, ठीक है, तो ये अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये तो बात होगी पहली जो बड़ी बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है बच्चों। अब सेकंड वन मिस्टेक क्या है, सबसे बड़ी जो बच्चे और भी गलतियां हैं जो बच्चे करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये, किसी का पेपर आपको देखना नहीं है कि अब मुझे नहीं आ रहा तो उसमें से देख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सभी के चेंज रहेंगे। अब सेकंड वन जो सबसे बड़ी मिस्टेक है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो होता है विद्याज्ञान स्कूल का, वो पहले सॉल्व करते हैं, कहते हैं हम पहले क्वेश्चन लगा रहे, क्वेश्चन कौन सा होगा उस पर टिक लगा देते हैं क्वेश्चन पेपर पे, और कहते हैं हम बाद में जो ओएमआर शीट है वो बाद में भर लेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं और ओएमआर शीट बाद में करेंगे। तो जितने भी बच्चे और जितने भी बच्चों के माता पिता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये गलती किसी को नहीं करनी है अपनी लाइफ में कभी भी, गवर्नमेंट जॉब हो, विद्याज्ञान का एग्जाम क्या हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी ऐसा नहीं करता, कोई ऐसा नहीं करता कि हम पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते फिर एकदम से नीचू से एकदम फ्री होकर ओएमआर शीट भरेंगे ऐसे ऐसे करके आराम आराम से। अरे गलत है ये तरीका, ठीक है, टाइम निकल जाता है, कुछ नहीं मिलता भरने को, पहला क्वेश्चन किया, पहले का जो आंसर है वो हाल ही हाल भर दो, दूसरा किया, दूसरे का जो आंसर है दूसरे का हाल भर दो, तीसरा जो किया तीसरे का ये टिक नहीं लगानी, ठीक है, मतलब भरना है ऐसे गोला करना है, तीसरा का किया, चौथा का सी होगा तो सी भर दिया, यहाँ पर पांचवा किया, पांचवे का बी है तो बी भर दिया, यहाँ पर ऐसे करके साथ साथ में भरते जाना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर आराम से ओएमआर शीट भरेंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करना। ये तो गलतियां थी जो बच्चे ज्यादातर करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये खुद प्रॉब्लम फेस किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप ये गलतियां करो, मुझे मेरा फर्ज है समझाने का, और नंबर वन चैनल है हमारा अजय विद्याज्ञान,
विद्यागान स्कूल की तैयारी करवाने वाला। और आपने देखा होगा हमने इतनी ज्यादा मेहनत किया, दो दो घंटे के महामैराथन वीडियो डाले हैं आपके लिए। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देखो यार क्या कर रहे हो, इतना अच्छे से कंटेंट दिया है। ओके पेपर एकदम, मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों के साथ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं यार, पेपर अच्छे से करके आना बच्चों। बस मैंने आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और ये करके दिखाना कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होंगे अजय भैया के चैनल से होंगे, ये बात सच करके दिखाना। तुम मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे अजय विद्यागम के चैनल से होंगे, ये बात सच करके दिखाना बस तुम है, ये बात सच करके दिखाना। और जब तुम्हारा रिजल्ट आए, जब सिलेक्शन हो, तब अपना वीडियो भेजना मुझे एक कि मेरा, मैंने अजय भैया के चैनल से पढ़ाई की थी, मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, देखना कितने अच्छे से, कितना अच्छा होगा, मैं कितना खुश होगा, आप कितने खुश होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन अजय भैया के चैनल से होने चाहिए। ओके तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपको अदर यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मैंने जो चीजें बता दी वो आपको कोई YouTube पे नहीं बताएगा। दो दो घंटे की कोई क्लास नहीं लेगा मेरी तरह आपके लिए, हैं? कौन सोचता है इतना, अरे 5 मिनट की वीडियो बना दी, 10 मिनट की बना दी, मॉडल पेपर डाल दिया, चलो छोड़ो बच्चे देखते रहेंगे। 2 घंटे की वीडियो बनाता हूं मैं, देखी होगी आपने कैसे पूरा गला खराब हो गया है मेरा वीडियो बनाते बनाते आपके लिए, दिन रात वीडियो बना रहा हूं मैं, मेरे और भी चैनल पे मैंने सर को भी लगा रखा है मैथ का, क्योंकि कम टाइम में अच्छी तैयारी हम करवाने का हम वादा करते हैं आपसे, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा किसी से। 5 मॉडल सेट हमने बनाए थे 300 रुपए के, काफी बच्चों ने खरीदे, बहुत अच्छा लगा मुझे, उनकी मदद हुई, हेल्प हुई। और जिन्होंने खरीदे है देखना उनका सिलेक्शन ऐसे निकलेगा, अगर आपने नहीं खरीदा तो आपका भी ऐसे निकलेगा, क्योंकि पढ़े आप अजय भैया से हो। ओके तो ये चीजें दी है, मेरी चीजें याद रखना, 2 दिन बचे हैं पेपर को और वीडियो आने वाले हैं। चैनल पर क्या बात कर रहे हो, बहुत वीडियो आएंगे अब देखो तुम, पर जो वीडियो आएंगे पढ़ाई वाले कम आएंगे, आपको समझाने वाले ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो तब तक आज की वीडियो में बचना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय हिंद।